शरीर पे पित्त उछलने की समस्या दोस्तों, जिसे हम लोग स्किन एलर्जी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पित्त उछलना भी बोलता है, कहीं कहीं इसे हैवल्स भी बोलते हैं। तो आज उसके लिए मैं बिल्कुल ऐसे नुस्खा लेके आया हूँ जो बिल्कुल आसान है और आपके घर का ही है, जो आप अपने घर में कर लेंगे। घरेलू नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये जो आपके शरीर में पित्त उछल गया है या हैवल्स या स्किन एलर्जी, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको आप छुटकारा पा सकते हैं, वो भी 2 से 3 मिनट में ही। तो आज मैं इस पे बात इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ, ये बात करने जा रहा हूँ कि स्किन एलर्जी होती कैसे है और ये इसमें जो हमारे स्किन में जो जगह जगह लाल लाल चकत्ते दाने हो जाते हैं, पित्त उछलना भी कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि जब हमारी किडनी, जो हमारी किडनी है जिसका काम है वेरीफाई करना, कोई भी सामान हम लोग खाते हैं तो उसको छान कर सभी जगह वो पेस्ट करती है, जो किडनी टॉक्सिन को नहीं कर पाती है तो वो क्या करती है ना, स्किन के माध्यम चुनता है। टॉक्सिन जो है ना स्किन के माध्यम चुनता है, आप देखे होंगे स्किन में हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हल्के हल्के स्किन के माध्यम से आप देखे होंगे कहीं कहीं लाल लाल चकत्ते दाने हो जाते हैं, जिनको खुजलाते खुजलाते हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसे नुस्खा जो लेके आया हूँ, बिल्कुल आसान है और सरल है, इससे आप 2 से 3 मिनट में ही छुटकारा पाए। और नुस्खा भी इतना आसान है कि आपको बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके बिल्कुल घर के हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा स्किन एलर्जी आपको किससे होती है, वो है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं और इस सरसों तेल हम लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में डिब्बे बंद पैक उठा लेते हैं, जिस कारण से मुझे याद है कि मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे और खुद मैं इसका शिकार हो गया था। तो मुझे ज्ञान है कि ये सरसों का तेल से ही हुआ था, क्योंकि सरसों का तेल उस समय 240 रुपये किलो हो गया था। तो हम लोग बाज़ार में गए तो बाज़ार में खुला तेल लिए, तो सरसों का तेल हम 1 किलो लाए, तो 1 किलो लाने से ही उसमें वो टॉक्सिन आ गई और उसी समय स्किन एलर्जी हुआ। लगभग 6 महीना तक हम लोग इससे बहुत परेशान रहे, डॉक्टर के चक्कर भी बहुत काटे, लेकिन घर का दवा था, लेकिन घर में किसी को बताते थे तो वो लोग बोलते थे कि फालतू का चीज़ क्या है, क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर होता है। और लास्ट में वही रिजल्ट हुआ जिस पे हम लोगों को बताया और वो चीज़ किया, तो मेरा सारा परिवार को तुरंत ही, और आप देर ना करते, डॉक्टर के चक्कर काटने से बचे। ये स्किन एलर्जी बहुत ही ख़राब होती है, एक बार आपको अगर ये लग जाए तो ये बहुत समय, कई के तो 2 साल 5 साल भी हो जाते हैं, कहीं कहीं 6 महीना डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, दवाई खिला देंगे। इसका मुख्य कारण है पेट में पित्त जो है उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं देर ना करते हुए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका पित्त उछल जाए तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए मैं बिल्कुल सामने आपको करता हूँ। ये है सिंदूर, सिंदूर आपको जो लेना है इस तरह का सिंदूर आपको ले लेना है, जो बाज़ार में आपको बाज़ार में ये ध्यान रखना है कि आपको लाल वाला सिंदूर नहीं लेना, अखरा वाला सिंदूर लेना। अखरा सिंदूर आपको बाज़ार में या पूजे के दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप अखरा वाला सिंदूर ले लेंगे। जितना आपका पित्त है या सित पित्ती या हैवल्स या आर्टिका भी बोलते हैं कई कई लोग, तो इसको ले लेंगे। चीज़ हम लोग मिलाने जा रहे हैं, ये नारियल का तेल जो सबसे अच्छा हो, ध्यान में रखें घर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। नारियल का तेल जो होता है ना, इसकी तासीर जो होती है ठंड होती है और स्किन मॉइस्चराइज मतलब चेहरे को मुलायम भी करती है नारियल तेल। तो इसमें तेल का तेल मिला लेंगे,
नारियल तेल मिला लेंगे। अब इसको दोनों को अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से फेंट लेंगे पूरा, जब तक ये पूरा मिक्स हो जाए। और जहाँ जहाँ आपका स्किन स्किन में एलर्जी हो गया है तो आप वहाँ पे लगा लगा के छिड़े, आपको 2 मिनट में ही ये राहत दिखा देगा। ये बिल्कुल बिल्कुल अनोखा उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। और दूसरा उपाय मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा उपाय, आप जब भी खाने में आपको कढ़ी पत्ते का सेवन ज़रूर करें। वैसे चीज़ का सेवन ना करें जो गैस बनाती हो, जैसे कोहणे की सब्जी ना करें, वाइट वाला चना जो होता है ना, जो बड़े बड़े आते हैं, उसका सेवन ना करें, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत देर लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठंडे पानी का सेवन ना करें, कढ़ी पत्ते का सेवन आप करें। और दूसरा तीसरा जो लास्ट में बता रहे हो, बिल्कुल कारगर नुस्खा है, आप घर पे आजमा कर देख लेना, यकीन कीजिए तब बिल्कुल 100% आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और पित्त को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आपको पैकेट बंद नहीं लेना है, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं होना चाहिए, भैंस का घी पित्त को शांत नहीं करेगा, गाय का घी होना चाहिए। गाय का घी आप अपने घर में बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये देख रहे हैं, हम लोग घर में इसको बना लेते हैं, दूध से जो मलाई निकलती है ना, मलाई से हम लोग बना लेते हैं। गाय का घी आपको 1 चम्मच सुबह में नहीं लेना है, दोपहर में खाना खाने के उपरांत आपको 1 चम्मच गाय का घी, धीरे धीरे आपको इसको 1 चम्मच ही लेना है। और रात में क्या करना है, रात में सोने वक्त जाए एक चोकर वाले आटे का रोटी, चोकर मिक्स होना चाहिए, आटे का रोटी आप ले लें, रोटी गर्म होनी चाहिए, और 1 चम्मच घी ले लें। घी में डुबाकर आपको इसके साथ, आप रोटी के साथ धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। घी और आपको दोनों एक साथ लेना है, धीरे धीरे चबा चबा के। और ध्यान रखें वैसे चीज़ का सेवन ना करें जो गैस बनाती है। वीडियो ये हमारा रेमेडी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। जो मैंने बताया गाय का घी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं खाता हो। और ये सेंदूर जो है, अखरा वाला सेंदूर, हर घर में आपको मिल जाएगा, हर माताएं के पास ये होती है। तो मैं आज